पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से जहां स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है, वहीं पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम ने बदली करवट, कहीं हिमयुग तो कहीं कोहरे ने बदला मौसम का मिजाज। कहीं बारिश तो कहीं मौसम का नजारा हुआ साफ। सर्द मौसम ने दस्तक दे दी है तो कहीं भारी बर्फबारी तो कहीं बारिश से मौसम का तापमान गिर गया है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ियों को देख ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी हो। पेड़ पौधे बर्फ में जमे हुए हैं, मकानों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ी हुई है और सड़कें मानो बर्फ की नदी बन गई हो। सिर्फ 24 घंटे में ही मौसम इतनी तेजी से बदला कि सूबे की सूरत ही बदल गई। इस बदलते मौसम ने सैलानियों को एक अच्छा उपहार दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों के आफत के दिन भी शुरू हो गए। भारी बर्फबारी के चलते 3 से 4 फुट बर्फ जम गए, जिससे कई मार्ग भी ठप पड़ गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड से लेकर दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में हुई तेज बारिश और हवाओं से मौसम का हाल बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से तापमान घट गया, तो वहीं बारिश होने की वजह से दिल्ली का मौसम भी साफ हो गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 से 175 हो गया है। जहाँ एक तरफ ठंड बढ़ गई है, तो वहीं बारिश से प्रदूषण से भी राहत मिल गई है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की वजह से कई उड़ानें भी प्रभावित हो गई। एयर इंडिया 687 और 701 को जयपुर के लिए डायवर्ट किया गया। वहीं एयर इंडिया के 3 विमानों को दिल्ली में ही रोका गया। बहुत दिक्कत हो रही थी सर, सुबह सुबह बहुत ज्यादा तो दिखाई नहीं दे रहा था, काफी दूर मतलब पास का दिख रहा था। गाड़ी चलाने में परेशानी तो हो रही है, क्योंकि जस्ट गाड़ी का आएगा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मतलब आपको इस टाइम भी गाड़ी में लाइट चालू करके चलना पड़ रहा है, इतना कोहरा हो रहा है। अभी मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है फिलहाल तो। देखिए, कम से कम 100 से 150 मीटर के अंदर, यानी जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो अनविजिबल है, माने दिख नहीं रहा है, सिर्फ आपको 100 मीटर तक का ही दिखेगा। और बहुत ही ज़्यादा ठंड भी महसूस हो रही है और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। बारिश के बाद से कोहरा बहुत छा गया है, जिसमें भोपाल रहे वासियों को थोड़ा ठंड का एहसास होने लगेगा। दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड के साथ साथ यूपी और मध्य प्रदेश में भी मौसम ने करवट ली है। यहाँ बर्फबारी ने एक तरफ मौसम का मिजाज बदल दिया, तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर ठंड बढ़ने के साथ साथ कोहरा देखने को मिल रहा है और विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश में भी बदलते मौसम का हाल देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।